नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 यानी कि 1559 में उदयपुर शहर को बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करवाना भी शुरू करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए अडल्ट्स का टिकट प्राइस 300 रुपए का है, 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चों का टिकट प्राइस 100 रुपए का है और 5 साल से छोटे बच्चे इस पैलेस के अंदर फ्री में जा सकते हैं। इस पैलेस के टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो ये रोजाना सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के इस शानदार सिटी पैलेस के अंदर और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। ये जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 यानी कि 16th मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाइए। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नवचौकी महल की नींव रखवाई। यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि पोल बने हुए हैं, जो हैं बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और अब हम जिस गेट से अंदर जा रहे हैं उसको बोला जाता है तोरण पोल। यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको ये गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। आइए अब आपको मैं उस कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ पर महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं। तो हम अब महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर आ गए हैं और ये है उनका सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे का बना हुआ कवच है और इसको देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवारें और ढाल रखी गई हैं और इसके आगे वाले खाने में उनकी तीर कमान वगैरह रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 35 किलो का है। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े को हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी इसको देखता था तो उसको ये अपने बच्चे के जैसा लगता था और वो इस पर अटैक नहीं करता था। ये कक्ष जो आप देख रहे हैं ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि एक साधु महात्मा हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने एक अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज के पत्र का उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, शेर कभी गिदड़ के आगे झुकेगा नहीं। ये सामने वाली जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जब परास्त किया था तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरह से खुशियां मनाई थी। ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ कुंड जो आप देख रहे हैं ये उस जमाने का कोई बाथ टब नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है लखू कुंड। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखू का मतलब होता है लाख
और इसीलिए इसको बोला जाता है लखू कुंड। इन 1,00,000 सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के जो 75,000 सिक्के हुआ करते थे वो दान पुण्य के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लखू कुंड को आखिरी बार साल 1930 में इस्तेमाल में लाया गया था और उसके बाद इसको कभी भी यूज नहीं किया गया। उस जमाने में कोई पोस्टमैन वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस समय में इन पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो कि पोस्टमैन का काम किया करते थे। ये सारे पिंजरे उसी वक्त के हैं और ये सब ब्रास यानी कि पीतल के बने हुए हैं। यहाँ सारी दीवार मार्बल की बनी हुई है और ये सारा मार्बल मकराना नाम की जगह से लाया गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आगरा के ताजमहल को बनाने के लिए जो मार्बल यूज किया गया है वो भी मकराना का ही था। अभी हम इस पैलेस की चौथी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल ये उठता है कि चौथी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये एक हिल यानी कि पहाड़ी की चोटी है, यानी कि अभी हम इस पहाड़ी के टॉप पर खड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं, तो यहाँ इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। और ये देखिए, यहीं इस पहाड़ी के ऊपर राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। तो आर्किटेक्ट का कमाल देखिए आप, पहाड़ी को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो यहाँ इसी जगह पर राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेला करते थे, तो ये एक तरह से उनका एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। उन दिनों में एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार कहा कि दिल्ली में एक मीटिंग है और भारत के जितने भी राजा हैं उन सभी को मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वो भी वहां जाते तो उनको वहां उस अंग्रेज के सामने झुककर उसको सलाम करना होता, और यही नहीं बल्कि उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि मेवाड़ में एक कहावत आज भी प्रचलन में है कि हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो जब ये बात उस अंग्रेज को पता लगी तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से ये चेयर भिजवाई थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये इतना संकरा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज्यादा आदमी यहाँ ना चल पाए। ये जो सामने में आप दरवाजा देख रहे हैं यहाँ पर एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, और यहाँ इस तरह के और भी कई सारे गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो कि बाद में बंद कर दिए गए। अब जो आप कमरा देखने वाले हैं इससे खूबसूरत कमरा पूरे सिटी पैलेस में कहीं नहीं है। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज, इसको शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये पूरा जो कमरा आप देखेंगे ये कांच का बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवारें, इसकी छत और इसका फर्श तीनों ही कांच के बने हुए हैं। और इसके जो दरवाजे आप देखेंगे ये आइवरी यानी कि हाथी के दांत के बने हैं। तो ये कांच का जो कक्ष बना हुआ है ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर आपको तरह तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी जिनमें आपको नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई देंगी, पूजा पाठ करते हुए और पोलो गेम खेलते हुए राजा दिखाई देंगे, और भी यहाँ पे तरह तरह की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं ये दरअसल एक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 यानी कि 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। ये जो आप फोटो देख रहे हैं
ये यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की फोटो है जिनका नाम था कविराज श्यामल दास। इन्होंने यहाँ इसी कमरे में बैठकर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा गया था वीर विनोद। आप चाहें तो इस बुक को यहाँ के बुक शॉप से जाकर खरीद सकते हैं। उस किताब की कीमत है 4,000 रुपए की। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं ये है मदन विलास। इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था और इसको उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर कर्नल जेम्स टॉड को समर्पित किया था। ऐसा बताया जाता है कि कर्नल टॉड ने कई बार उदयपुर के राणा समेत और भी कई राजाओं को महफूज रखा था, खास तौर पर मराठाओं के आक्रमण से। ये देखिए आप, ये उस जमाने में हाथी के दांत से बने हुए दरवाजे हुआ करते थे, यानी कि आइवरी डोर्स, जो कि काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। तो अब हम इस सिटी पैलेस के टॉप फ्लोर यानी कि 5th फ्लोर पर आ गए हैं, जिसकी ऊंचाई 105 फीट की है। यहाँ नीचे में जो आपको चौक नजर आ रहा है इसको बोला जाता है दीवाने आम, यानी कि वो जगह जहाँ पर राजा आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आया करते थे। ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में डांस और तरह तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता था और यहाँ मोती महल में से रानियां डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। तो यहाँ जो ग्लास लगे हुए हैं उनसे रानियां बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा शतरंज का बोर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर महाराणा शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे और वहाँ सामने में उनकी बैठक हुआ करती थी जहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते थे। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं ओर में आप देखेंगे ये है दीवाने आम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर राजा आम आदमियों की समस्याएं सुना करते थे और जहाँ त्योहारों पर तरह तरह के प्रोग्राम्स होते थे। और ये जो राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ में आप देख रहे होंगे इसको बोला जाता है दीवाने खास, जहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास को मैं आपको नीचे चलकर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर जितने भी आपको सोफे, कारपेट, चेयर, टेबल, लैंप वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये सभी ज्यादा पुराने नहीं हैं, ये सभी 1955 यानी कि 1955 के हैं। यहाँ पर जितने भी राजा रहे हैं वो सभी सूर्यवंशी थे, तो जब बरसात के मौसम में उनको बाहर सूरज नजर नहीं आता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने हुए सूर्य देवता को नमन किया करते थे। तो अब हम यहाँ नीचे दीवाने खास में आ गए हैं। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ तो मीटिंग्स किया ही करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर दीवाने आम की तरह ही त्योहारों पर नाच गाने के प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे। सामने में जो खिड़की आपको नजर आ रही है वहाँ से राजा डांस या फिर जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होता था उसको देखा करते थे और बगल में जो खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं वहां से रानियां खड़ी होकर उन प्रोग्राम्स को देखा करती थी। ये खिड़कियां जो मैंने आपको बताई जहां पर रानियां खड़ी होकर डांस को देखा करती थी ये उस समय बंद रहा करती थी। और मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां इन खिड़कियों से रानियां तो नीचे का सारा प्रोग्राम देख सकती थी, लेकिन नीचे वाला कोई भी शख्स ऊपर रानियों को नहीं देख सकता था। ये सारा जो कांच का काम आप देख पा रहे हैं ये 1874 यानी कि 1874 में किया गया था और ये सारा बेल्जियम ग्लास का काम है। और खास बात ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह के कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारा काम जो आप देख रहे हैं ये केवल कांच से किया गया है। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पीतम निवास। ये उस समय महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। इस कक्ष समेत महाराणा जगजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में जग निवास का भी निर्माण करवाया था, जो आज की डेट में ताज लेक पैलेस नाम की एक आलीशान 5-स्टार प्रॉपर्टी है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं इसको बोला जाता है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितना भी कांच का काम है यानी कि जितनी भी पच्चीकारी यहाँ पर की गई है उसको महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर आप जितने भी महल और मंदिरों के ऊपर स्वर्ण कलश देखेंगे वो सारे स्वतंत्र राज्य के चिन्ह हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस की निशानी है। ये वाला जो कमरा आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है मानक महल।
ये उस समय खाने पीने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल हुआ करता था ये। और जैसा कि आपने दीवाने खास में देखा, ये भी उसी तरह से बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। इस कक्ष को महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था, और ये सारे का सारा जो कांच का काम आप देख रहे हैं, इसको महाराणा स्वरूप सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। तो अब हम जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई रानी के पति की मृत्यु हो जाया करती थी, यानी कि जब वो विधवा हो जाती थी, तब उनको इधर जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था, और यहाँ पर पुरुषों को आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। तो जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल प्रोग्राम, शादी ब्याह वगैरह हुआ करता था, तो उनको उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता था। ये वाला जो आप कमरा देख रहे हैं, ये एक विडो यानी कि विधवा रानी का बेडरूम हुआ करता था, जो कि दिखने में आपको बहुत ही साधारण सा लगेगा, एकदम सिंपल सा, बिना किसी चमक दमक के। ये जो बेड आपको दिख रहा है, ये चांदी का बेड है, और यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरा बेडरूम उन्हीं के लिए हुआ करता था। ये वाला जो पंखा आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के तेल से चला करता था। यहाँ पर सबसे आखिरी में रही थी राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवर जी, जिनका 1973 यानी कि 1973 में देहांत हो गया था। यहाँ देखेंगे आपके भगवान कृष्ण का झूला भी रखा हुआ है। तो रानी के पास जब भी समय हुआ करता था, तो वो यहाँ बैठे बैठे भगवान कृष्ण को इस झूले पर झूला दिया करती थी। यहाँ देखेंगे आप उस समय के तांबे के बर्तन भी रखे हुए हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये है भोपाल विलास। यहाँ पर जो झूमर आप देख रहे हैं, ये बर्मिंघम इंग्लैंड का है, और ये ऊपर में जो फैन आप देख रहे हैं, ये इटली का है, और नीचे में जो फैन रखा हुआ है, ये केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल से चलने वाला एक फैन है। यहाँ पर जो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये दुश्मनों द्वारा अटैक में डैमेज की हुई मूर्तियां हैं। वैसे तो यहाँ पर इस पैलेस में कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ है, तो ये सारी जो मूर्तियां आपको दिख रही हैं, ये आसपास के किलों की हैं। तो इन मूर्तियों में आपको अलग अलग किलों की क्षतिग्रस्त मूर्तियां नजर आ जाएंगी, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के किले की, कुंभलगढ़ के किले की, और आसपास के किलों और मंदिरों की डैमेज मूर्तियां भी यहां पर रखी हुई हैं। राजघराने में संगीत का शौक शुरू से ही रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे उस समय के अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, और इन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आपको इनका नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस महल को यहाँ के ओनर्स अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी ब्याह वगैरह के लिए रेंट पर भी दे देते हैं, लेकिन उसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दिसंबर 2018 में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें मुकेश अंबानी जी ने 4 दिन के लिए ये पूरा पैलेस बुक करवा दिया था, और यही नहीं बल्कि उन्होंने आसपास के सारे 5-स्टार होटल्स और हेरिटेज प्रॉपर्टीज जैसे कि लेक पैलेस, जग मंदिर, उदय विलास, ट्राइडेंट, लीला, इस सारे के सारे बुक कर दिए थे। इसी पैलेस के अंदर मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम भी करवाया गया था। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 दिनों में कुल मिलाकर मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पर कितना खर्चा किया होगा? खैर, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने अपनी बेटी के संगीत के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि कुल मिलाकर इन 4 दिनों में उन्होंने 800 करोड़ का यहाँ पर खर्चा किया था। जी हाँ, 800 करोड़ का। खैर, अभी जो हम पूरा पैलेस घूम कर आए हैं, इसमें हमने टोटल 1.5 किलोमीटर घूमा है, और कुल मिलाकर हमने 235 सीढ़ियां चढ़ी और उतरी हैं। तो ये था उदयपुर का बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक सिटी पैलेस, और इसी के साथ में यहाँ पर पिचोला झील भी है, तो आप चाहें तो इस खूबसूरत झील में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो पिचोला झील में आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी बोटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ ये पैलेस घूमकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी ऐतिहासिक इमारतों के वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो नीचे उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।